पहुंच गए हम और मेरा फ़ोन जवाब दे रहा है। मैंने 10 बार कोशिश कर ली बनाने की वीडियो, बट वीडियो बंद। आज तो स्लोई भी चला रहा है। जब चलोगे ना आप और जब चलोगे ना आप तब देखियो आप कितनी तेज कर लेगा। अब तो इतनी मंदी दूध पी रहे और ब्रेकफास्ट में आज पराठे टफी। आजा पापा चिल्ले की वो बनवा के भी नहीं बनवाई तो फिर नहीं मैं बोला फिर मैं तो मत हो परेशान। ये कितना ब्लर हो गया टफी। टफी आजा खा ले तू भी। मैं बैठा तू जब पुन्नू दो। अच्छा पुन्नू ले रहा है क्या? ऋतिक शान पुन्नू ले चलना पर ये जरूर लेगा। अभी कितना पुराना है, कितना पुराना, लेकिन अब इसका दोस्त बन रहा है। मौसम भी रखी थी पर जूस नहीं पियेंगे, खाएंगे तो फिलहाल मैं खा लेती हूँ, उसके बाद काम स्टार्ट करेंगे घर का। तो हमने काम कर लिया सारा, मैं नहा भी ली और मम्मी जा रही है बाहर। डीजे सुन रहे हैं ना आप लोग, वहाँ डांस कर भाई मम्मी तैयार है जाने के लिए। हमारे पड़ोस में थोड़ा सा एक फंक्शन है, पड़ोस दो आएंगे ले जाओ और पानी की बोतल ले जाओ। मतलब वो थोड़ा सा ना घूमेंगे कहीं यहाँ से कहीं और जाएंगे, तो यहाँ से जाएगी मम्मी जहाँ तक, वो जाएंगे वहाँ तक और ये बाहर आपको बैंड उनके घर तक। वो जो ये आपको धमाकेदार बैंड सुन रहे हैं ना इसके साथ मम्मी कहन की बात थोड़ी पीछे चाहिए ना दम दम था ना पूरी ऐसा ना फर्श भी आप साढ़े बंद थे आपने बंद करी थी। जब आप दम दम तक जाओगे ना तो आपके पैर वाइब्रेशन होगी घर आते आप सोचोगे सिर बांध के लेट जाओ। थोड़ी पीछे चल लियो इस तरह, पीछे पीछे चलियो इस तरह। ये दस लोई भी चला रहा है। जब चलोगे ना आप और जब चलोगे ना आप तब देखियो आप कितनी तेज कर लेगा। अब तो इतनी मंदी है, हमारे घर के बाहर ही खड़ा है, हमारे घर के साइड वाले घर वाले ही जा रहे हैं, इसलिए मम्मी तैयार हो गया आज 11:30 बजे ना धोली मेरे कुछ नहीं सिल्ला। मैं कह रही मत जाओ शाम को, तो डॉक्टर के जाना है आज। मम्मी मैं पापा तीनों जाएंगे डॉक्टर के। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे मैं आ जाता हूँ मैं जाता हूँ, मैं कह नहीं हम जाएंगे वरना वो आगे तो मुझे ले ही जाएंगे, छोड़ेंगे ही नहीं वापस घर पे, मुझे पता ही था ना। अभी अब टफी और मैं रहेंगे, मेरा भाई आएगा 2-3 दिन बाद और शाम को जाएंगे, तो इस टाइम मैं तो अकेली हूँ, रेस्ट ही करती रहूँगी, लेट ही रहूँगी क्योंकि कुछ काम नहीं, नहा धो के सब फ्री हो गई हूँ मैं। और मम्मी आएगी, मम्मी 3 बज जाएंगे क्या? 3 बज जाएंगे देख रहे हो, मैडम हो रही है बिल्कुल साड़ी वाड़ी पहन के। 10 साड़ी दिखाने के बाद मम्मी की मैंने पसंद कर ली। अब टफी को देखना मम्मी जा रही है और मगर मैं नहीं होती ना मम्मी टफी को जान सकती छोड़ के। हाँ ठीक है रख, मैं बोल रही हूँ फ्रिज में रख दूँ। कल रात को मैं फ्रीजर में रखी थी मैंने जूस के लिए और मैं रख के फ्रीजर में सो गई। सुबह मम्मी ने कुछ काम बताया तो मुझे याद आई कि ओहो मम्मी यहाँ तो जगह है ही ना बिल्कुल भी, जगह नहीं बना ली फंसा दी मैंने तो ना फंसी। अब मैं अकेले खाना खाऊंगी, मम्मी तो गई। टफी कहाँ गई मम्मी? अभी बंद कर दिया इन्होंने आए डीजे, बारिश का मौसम हो रहा है। चल दीदी आ जा मुझे तुझसे बात करेंगे। टेडी कर देंगे के देख रहा है टेडी। बिस्किट लाएगी मम्मी टफी के लिए, आ जा यहाँ से आ जाओगी सॉरी रूम से। अब बस 12 बज गए एग्जैक्ट। हाँ वो तो आए बारिश का मौसम, ये पेड़ कटने के बाद इतना साफ दिखता है अब, पहले से कहीं 100 गुना ज्यादा। कल रात को बारिश हुई थी काफी ज्यादा, मुझे था लाइट ना जाए लेकिन लाइट नहीं गई भगवान की दया से। हट जाओ उछलना नहीं है, दीदी ने बोल रखा है ना ट्रफी को उछलना नहीं है, बोल रखा है ना। अच्छा तू इतना समझदार दिखाता, देखो यहाँ पैर हाथ पे पैर रखता अपने, जल्दी दी है। चलो जीजू से बात करेंगे आ जाओ। ये क्या है? मैंने क्या मम्मी को मैंने भेजा है बाहर? मैंने बोला मम्मी को बाहर जाओ हैं? ये नहीं मानेगा, मैं बैठूंगी तभी मानेगा। आजा भाई साहब
ये लो भाई मम्मी का डीजे। ओ ये झाड़ू भीग गई। बन जाना बस बस गिल्ला होके आएगा तेरी, मैं पिट्टी करूंगी, रुक जा अंदर आ। कितनी बढ़िया, चलो 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 चलो, भीग गया भीग गया भीग गया भाई, डीजे विजे सब रुक गया होगा। अब तो मौसम हो रहा था लेकिन बढ़िया हो गई। बाहर बैठेंगे कभी, आज यहीं बैठेंगे दीदी के साथ, बैठ जाओ यहीं पे, अंदर नहीं जाए बैठूंगी मैं। चलो बढ़िया से पकोड़े तल लेती हूँ। अकेली तो हुई, चार पांच पकोड़े बताती हूँ, मजा आ जाएगा है ना। क्या बढ़िया मौसम हो गया, अंदर तक आ गया आज तो पानी बहुत ही भयंकर आ रही है एकदम। आ गया पानी सारे अंदर। पूरे दो घंटे बारिश हुई है, दो घंटे से ज्यादा, अभी तो रुकी भी नहीं है, दो बज गए। मम्मी निकली जैसे घर से ना, तो यहाँ पे मोड़ पे सारी लेडीज खड़ी थी, मम्मी अभी आई है, छतरी लेके गई है, बोल रहे तो जाना ही पड़ेगा, तो दो घंटे खराब, वरना मम्मी बोलती मैं 3 बजे तक आ जाऊंगी। अब मम्मी बिल्कुल ही, क्योंकि पहुंचे ही नहीं है वो लोग अभी तक, तो आएंगे ही लेट। फोन यही भूल गई, टफी नहीं खाएगा खाना, चिया को बुला दो फिर, रुक जा मैं बनाऊंगी, लो लो लो। तो फिर मैं अपना अकेले खाना खा रही हूँ आज, बहुत दिनों बाद ऐसा हो रहा है कि मैं अकेले खाना खा रही हूँ, वरना डेली मम्मी होती थी मेरे साथ और ये तो होते ही थे। तो मैंने सैलड कट कर ली, भिंडी बनाई थी और लस्सी, थोड़ा सा अचार ले लेती हूँ। एक बार देखो मैंने ना अनियन और टमाटो भी निकाल लिए थे, मेरा बिल्कुल ना बिल्कुल पकौड़े बनने का मन हो गया था, मैं निकाल के गई, फिर मम्मी बोली सुबह से दूध ही खाया है, मौसमी खा ले, ये मत खा, फ्राइड चीज़ें इतनी, फिर मैंने रख दिया, शाम को देखते हैं। शाम को तो नहीं खाऊंगी क्योंकि आज शाम को बाहर का ही खाना है, हम जाएंगे तो मुझे पता है कि बाहर ही खाएंगे, फिर तो कहीं घर पे तो खा नहीं सकते। वैसे भी लेट है अपॉइंटमेंट 8 बजे तक की, सारा गिल्ला हो गया टफी, तू देखी होते तू बिल्कुल ना अंदर नहीं बैठ सकता, वहीं बैठेगा पानी में ही। हाँ रुक जाते, चीज़ को बुलाऊंगी, अभी खाना नहीं खाएगा, इसको हाथों से खिलाना पड़ेगा, पहले मैं खाऊंगी फिर इसको खिलाऊंगी। ये तो कुछ भी नहीं है, पहले वाला जो टोरोग था ना, मुझे ऐसा लगता है पहले वाले दिन याद आ गए मुझे अपनी शादी वाले, तब मेरी शादी नहीं हुई थी, घर पे शादी नहीं थी मेरी, तब मेरे रोग कभी नहीं हुआ था, हो भी गया होगा उसके बाद भी, मैं थोड़ी पतली थी। रहती ऐसे थी, मतलब बुरी तरीके से ऐसे बाल अभी बिखरे हुए, बिखरे जो चीज़ बिखरे रहे तो कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं। मम्मी जाती थी आसपास कीर्तन में, शादियों में, तो मैं ऐसे टफी को संभालती, इसको हाथों से खाना खिलाती थी, छोटा था उस टाइम तो ये, अब तो ये 2 साल का हो गया, उस टाइम तो ये बहुत छोटा था, इसको देखती रहती पूरा टाइम। और इसके पहले वाला टफी था वो तो सच में ही बिना हाथ के खाए खाना ही नहीं खाता था, उसको तो डेली मैं सिंगल उसको बैठ के खाना खिलाती दोनों टाइम, ये तो खा लेता है, पता नहीं इसको क्या हो गया, इसको टैबलेट दी थी सुबह भी कि थोड़ा उसको तकलीफ हो रखी हो तो ठीक हो जाए, बट वही दिन याद आ गए शादी से पहले वाले, पहले जैसे फ़ोन आते थे वैसे वीडियो कॉल और फ़ोन आ रही है इनकी, वैसे मैं खाना खा रही हूँ। सब कुछ सेम हो गया, बस बेबी डिफरेंट है। मुझे पता है कि मैं शादीशुदा हूँ, पहले मुझे पता था कि शादी होने वाली है, पहले देखती थी कि शादी की वीडियोस और शादी के फ़ोटो सेव करती थी ऐसे बैठ के, और अब अपने शूट्स की और बेबी होने के बाद ये सब कुछ सेव करती हूँ, तो लाइफ चेंज, टाइम चेंज, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं अब टाइम के साथ। और मुझे पता है कि ये देखो एक पता है क्यों हो रहा है, क्योंकि फंक्शन आ रहा है इसीलिए, वरना कभी नहीं होते ऐसे, बट जैसे पता चल गया ना कि राखी गई अब कुछ आएगा, वैसे ही पिंपल याद आते हैं वहाँ बाहर निकल के, थर्ड ट्राइमेस्टर का है ये। ओके चलिए खा लेते हैं। आ गई मम्मी, कैसा मजा आया बारिश में नाचने गाने में, हो रही है बारिश अब तक भी, 3.5 घंटे हो गए बारिश को, तो 4 बज गए, ना मैं सोई हूँ, ना मम्मी ने मुझे सोने दिया, ना मैं सोई, ना मैंने आराम किया, बस टफी के साथ ही इस तरह बैठी, ना मैं मूवी देखी, ना कुछ करा, बनाने लाई हूँ मम्मी, अभी सो गए क्या, सो गए फिर उठान जाओगे मम्मी 6 बजे, लेट गया ना फिर लेट ही जाऊँगी मैं अच्छे तरीके से, फिर मेरा उठाने का मन ना है, क्या खाएगा, चलो रोटी खा के आओ अपनी जाओ, चलो दो गया शुक्र, थोड़ी सी इज्जत, थोड़ी इज्जत भी रख दे, थैंक यू सो मच उसके लिए। केला भी खाना है क्या, सारे फ्रूट चाहिए, सारे फ्रूट जा
फटाफट खा के फिर दूंगी, पहले की रोटी खा गया फिर दूंगी, चाहे छोड़ दूंगी तेरे लिए। चलो सिट, बैठो सिट सिट। दीपू कैसे करवाई करे इससे, जब बैठ जाओ। दीपू की कहती ऊपर नहीं आने के लिए बोल। चल ठीक है, अब हम इसको सिलाते हैं, थोड़ी देर खुद भी सो जाते हैं और फिर शाम को मिलेंगे। ओके तो इतनी बारिश के बाद मैं अब उठी हूँ, सोते ही हम चार, मतलब मैं 4:30 बजे के बाद सोई हूँ, मैं अब उठी हूँ, मैं 6 बजे का 1 घंटा आराम कर लिया। अब देखते हैं बस फटाफट जो हम बना ले जूस, जूस पी के हम चलते हैं फिर डॉक्टर के। टफी नहीं जाएगा, टफी नहीं रहेगा। जूस बनाया है मौसमी का, सील भी है। ठीक है तो हम जा रहे हैं, मम्मी ने पहन लिया मुझे ये, अब मुझे आएगा नहीं है, मुझे लगा लास्ट है फिर नहीं आएगा। चलो पहुंच गए हम, और मेरा फ़ोन जवाब दे रहा है। मैंने 10 बार कोशिश कर ली बनाने की वीडियो, बट वीडियो बन नहीं रही, मुझे नहीं पता कब तक बनेगी, बनेगी क्या होगा, ठीक जाना ही पड़ेगा दिखाना ही फ़ोन। ओके सो ऐसा है कि फ़ोन ने कर रखा है दिमाग ख़राब बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं पता कि अब मेरा फ़ोन में कैसे क्या होना है। मैंने वहाँ वीडियो बनाई खाने की, आइसक्रीम की, आने की, जाने की, 3 बार तो मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था अपने आप ही, 2 बार मैंने ऑफ़ किया और अब मैं आई हूँ, 1 घंटे से फ़ोन ऑफ रखा है, अब मैंने चलाया है, ऑफ़ करने के बाद अब कैमरा चला है, मतलब कैमरा ही नहीं चला। पापा बात कर रहे थे, सब रिकॉर्ड किया हमने, क्या खाया, हम वहाँ गए मॉल में, मतलब हर चीज़ रिकॉर्ड की जो मैं कर सकती थी, और डॉक्टर का बताया सारा कुछ, बट फ़ोन बिल्कुल ही, मतलब न्यू अपडेट आया था, बताती हूँ देखो ना, आईफोन में अपडेट आते रहते हैं, तो ये अपडेट आया था न्यू, तो मेरा ऑटोमेटिक ऑन था, जैसे ही वाईफाई कनेक्ट हुआ तो अपडेट हो गया। अपडेट होने के बाद ही मेरे फ़ोन की कैमरे में दिक्कत आ रही है, सबसे मेन कैमरा, और जो दूसरा मैं एडिट करती हूँ अपने सारे व्लॉग्स, वो वाली ऐप, तो मतलब दोनों मेन चीज़ों में ही दिक्कत है। अब मुझे बोल रहे मैं कल आ रहा हूँ फिर तेरा फ़ोन ठीक कराएंगे, बट मैंने तो मना कर दिया कि 2 दिन की बात हो रही है, क्योंकि 2 दिन की ही बात हो रही है कि रुक जाओ, मैं व्लॉग नहीं बनाती हूँ और क्या ही कर सकती हूँ। तो अगर 1 दिन व्लॉग मिस हो जाए तो बीच में तो समझ जाना कि मेरे फ़ोन में ही दिक्कत है, तो मैं व्लॉग बना नहीं पाई। जैसे आज वाला व्लॉग है, मैंने खूब सोचा था कि शाम को मैं जाऊँगी, इतना अच्छा मौसम था, हम आज बहुत वो हुआ, हमारी अपॉइंटमेंट थी 8:30 की, हम पहुँच गए 7:40 पे, उसके बाद हमारा नंबर आया 9:30 में, ऑलमोस्ट 2 घंटे हम वहाँ वेटिंग में ही बैठे थे, मतलब पेशेंट कम थे, 10 पेशेंट थे, लेकिन इतना ज़्यादा वेट लग, सब ने बहुत टाइम ज़्यादा कंज्यूम किया आज। मुझे आज इंजेक्शन लगे 2, एक यहाँ पे और एक नीचे हिप पे, टेटनस का और एक और, दोनों इंजेक्शन, वैक्सीन भी हो गई आज और टेटनस भी हो गया, तो दोनों इंजेक्शन कम्प्लीट हो गए जो 7 मंथ में लगने थे, और वेट नहीं बढ़ा 2 हफ्ते में, ठीक है, बस 200-300 ग्राम ही ऊपर आया, तो ठीक है अभी, मतलब मम्मी का खिलाया हुआ ज़्यादा नहीं लगा मुझे, मैं मोटी नहीं हुई, वही वेट है जो पहले था, और टैबलेट्स ले आई हूँ मैं सारी अपनी, बस डॉक्टर से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे हम, क्योंकि काफ़ी देर बहुत लंबा वेट करना पड़ा, पापा तो भाई थे, हम क्लिनिक के अंदर थे, पापा भाई, क्योंकि बैठने की जगह नहीं है क्लिनिक में, ना छोटा सा क्लिनिक है, ज़्यादा जगह नहीं है उसमें, तो सारे जेंट्स ज़्यादातर बाहर होते हैं, लेडीज़ अंदर होती हैं, पापा 2 घंटे बाहर वेटिंग में ही थे और हम 2 घंटे अंदर। उसके बाद हम खाने के लिए गए, मैंने डोसा खाया, पापा मम्मी ने थाली ली, फिर आइसक्रीम ली, फिर हमने रास्ते में गोलगप्पे खाए, हम तीनों घर आए, हम घर पहुँचे 11:30 बजे रात के, खाना वाना खा के, और फिर टफी को लिया, टफी को लेने के बाद घर पे आए, अब मम्मी पापा नहा रहे हैं, और मतलब मम्मी ना पापा नहा रहे हैं, मम्मी ऊपर है, और मैं अभी आई हूँ, मैं इनसे बात करूँगी, मैं बहुत थक गई हूँ, और थकान नहीं हुई, लेकिन मेन जो मेरी फ़ोन में दिक्कत है इससे मैं परेशान हूँ। मैंने ना वहाँ पे जितनी भी वीडियोस बनाई, मैंने अब घर आके देखी कि वीडियो चल नहीं रही है, और मैंने देखा कि जो मैंने वीडियोस बनाई थी वो बनी भी नहीं है, क्योंकि मैं व्हाट आई ईट करती हूँ, तो मैंने आइसक्रीम खाई है, जो भी कुछ खाया मैंने वो बनाई, बट वो बनी ही नहीं, अब वो शो ही नहीं हो रही मेरे फ़ोन में, तो ये बहुत हैक्टिक और बहुत अजीब है, मेरा सर दर्द हो रहा है बिल्कुल, क्योंकि मेरे फ़ोन में इतना सारा सामान है, मेरा फ़ोन भरा हुआ है 200 GB है,
अभी सारा कुछ शिफ्ट करना दूसरे फ़ोन में, फिर वहाँ फ़ोन या लैपटॉप में एक सिंगल फ़ोटो 10,000-15,000 तो फोटो है मेरे फ़ोन में जो मैं शादी के बाद की, शादी से पहले था तो कोई सिंगल फ़ोटो भी नहीं है इस फ़ोन में, सब दूसरे फ़ोन में, तो 15,000 फ़ोटो फिर शिफ्ट करने फिर वापस लेना, बहुत हैक्टिक होने वाला है, मेरा सर दर्द होने वाला है, मुझे दिख रहा है पता नहीं क्या ऐसे। देखो एप्पल वाले अपडेट ही ना दें, इससे अच्छा तो अपडेट देने का फ़ायदा क्या है, अगर हम ही परेशान हैं, हम जैसे लोग जो एप्पल यूज़ कर रहे हैं वही परेशान है, तो अपडेट से कोई फ़ायदा तो है नहीं। मैं करती भी नहीं, पर पता नहीं कैसे ऑटोमेटिक अपडेट हो गया। अब मैं देखती हूँ, ब्लॉग छोटा होगा तो कल आप लोगों को चीज़ समझाऊँगी बताऊँगी, वरना फिर इतने ही ब्लॉग में मैं बंद कर दूँगी। मुझे नहीं पता कल फ़ोन में सब कुछ काम कर रहा है, बस ये कैमरा वीडियोस बस यही काम नहीं कर रहे और सब चल रहा है। ठीक है, सो गुड नाइट गाइज, कल मिलते हैं। बिल्कुल अजीब सा मन हो रखा है, घबराहट मन अजीब, ना दूध पीने का मन कर रहा, बस टैबलेट लूँगी और सो जाऊँगी, आज मेरा अच्छा मन नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, बाय, गुड नाइट, टाटा।